हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजिट अड्डाज में। हम आज आपको लेके आए हैं अंधे अंधा की कुटी पे। ये अंधी अंधा की कुटी, आइए, ये अंधे अंधा की कुटी जो है सुरेंद्र कुमार के माता पिता की है, जहाँ पर उनके माता पिता ने प्राण त्यागे थे। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है अंधी अंधा की कुटी का गेट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये काफ़ी पुराना गेट है, जो कि भगवान श्री राम के ज़माने से ये मंदिर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये एक मेन गेट है, गेट से अंदर जा रहे हैं। ये देखिए इधर मंदिर है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना पेड़ है, आज का पेड़ नहीं है। ये काफ़ी समय पुराना पेड़ है। और इसकी मान्यता है कि जो इस पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए देखते हैं अंधी अंधा की कुटी का दृश्य, अंदर का दृश्य। हाँ दोस्तों, हम आपको अंदर ले चल रहे हैं। देखिए अंदर का दृश्य है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और ये अंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर यज्ञ भी होते हैं, यहाँ पर नीम का पेड़ भी है। तो देख रहे हैं कि 121 श्री श्रवणाश्रम लिखा हुआ है। ये अयोध्या के 153 में से 121वां आश्रम है, जिसकी मान्यता बहुत ही पुरानी है। और ये इसकी मान्यता ये है कि यहीं पर सुरेंद्र कुमार के माता पिता ने यहाँ पर प्राण त्यागे थे और उनका समाधि स्थल यही है। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं सुरेंद्र कुमार जी का मंदिर। और यहाँ पर उनकी माता पिता के साथ उनकी मूर्ति लगी हुई है, कि किस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर यहाँ पर मतलब विश्व भ्रमण करवाया था और यहीं पर उनको पानी पीने के लिए मतलब बिठाया था। आइए, ये मंदिर है, ये देखिए दोस्तों। और सुरेंद्र कुमार ने अपने माता पिता को यहीं पर बिठाया था और पानी लेने वो तमसा नदी पर गए थे। यहीं पर उनके माता पिता ने अपने प्राण त्यागे थे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर दिखाओ। चलिए दोस्तों, आपको हम सुरेंद्र कुमार अंधी अंधा की कुटी का मेन मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। आइए देखते हैं दोस्तों, इससे आगे आइए चलते हैं अंदर, आपको ले चलते हैं। अंदर का व्यू दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये अंदर का व्यू है और यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक समय था कि यहाँ पर एक अष्टधातु की मूर्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी समय पहले यहाँ से चोरों ने चुरा ली। और जान सकते हैं आपकी भारत एक कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज देख सकते हैं कि हमारे भारत की मंदिरों की क्या हालत है। देख लीजिए दोस्तों, अब पत्थर की मूर्तियाँ बची हुई हैं। कभी यहाँ पर इस मंदिर का हाल जानते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यताएँ हैं और क्या क्या यहाँ पर हैं, आइए जानते हैं। भैया, मान्यता तो यहाँ की जैसे माना जाता है कि स्थल तो बहुत पुराना है, जैसे माना जाता है प्रभु श्री राम के जन्म के पहले का स्थल है, लेकिन 2000 ईसा पूर्व जो राजा विक्रमादित्य जी ने जिन स्थलों को चिन्हित करवाया था, 153 स्थल अयोध्या से संबंधित, उसमें से 121वां स्थल ये है। और ऐसी जो मान्यता है, बताते हैं कि सुरेंद्र कुमार के माता पिता जब तीर्थ यात्रा के लिए सुरेंद्र कुमार लेकर निकले थे, तो यहीं पर बैठा के उनको तमसा नदी के तीरे बाउंडी झील में जल भरने के लिए गए थे, उनको बाण लगा और वहाँ प्राणों त्याग दिए। और उसके बाद सुरेंद्र कुमार के माता पिता को जल पिलाने के लिए चक्रवर्ती राजा दशरथ लेकर आए यहाँ पे। जब उन्होंने जाना कि वो मेरे माता पिता नहीं हैं, अब मेरा बेटा नहीं है, तो उन्होंने उनको श्राप देकर श्रापित जल फेंक दिया और यहीं पे अपने प्राण त्याग दिए, जिसमें सामने ये तालाब सरोवर बना हुआ है जहाँ पे श्रापित जल पड़ा है। दोस्तों, अभी आपने पुजारी जी से यहाँ का हाल जाना, आइए देखते हैं वो तालाब जिसका पुजारी जी ने जिक्र किया था। ये देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों ले चलते हैं आपको उस तालाब पर। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो अगर खुजली हो या खसरा हो या कुछ भी हो या अकौता हो, कुछ भी हो या कोई भी खुजली से संबंधित बीमारी हो, तो यहाँ पर स्नान करने से, ये तालाब जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्नान करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, कुंड के साथ साथ यहाँ पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और अपने कपड़ों को यहीं पर फेंक देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है ये उन रोगियों का है जिनको खुजली की बीमारी थी या कोई भी बीमारी थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कपड़ा पड़ा हुआ है और ये कुंड बना हुआ है, ये वही कुंड है राजा दशरथ ला के सुरेंद्र कुमार को माता पिता को दिए थे। अभी पुजारी जी ने बताया था उसको फेंका गया था, तो वही फेंके हुए जल से ही ये कुंड निर्मित हुआ है। और इसकी मान्यता आपने तो पहले ही जान चुके दोस्तों,
ये आप देख सकते हैं कि इस कुंड के बाहर ये जो वातावरण यहाँ का कितना मनोरम है, कितना सुहाना मौसम है, यहाँ पर कितनी शांति है। आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई है जिससे कि जो पेड़ पत्तों पर जो गंदगी थी वो धुल चुकी है, कितना सुहाना लग रहा है। आप ये देख सकते हैं पेड़ पत्तों को, आप ये देखिए कि कितना हरे भरे कितने पेड़ पत्ते हैं और कितना विहंगम दृश्य। आपको अब ले चल रहे हैं उस पेड़ के पास जो यहाँ पर 300 साल पुराना पेड़ है। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर गठिया बाई से संबंधित जो भी बीमारी होती है उस पेड़ के पास हाथ रखने से सही हो जाती है। दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं कि जिस पेड़ का हमने जिक्र किया था, हाँ दोस्तों जिस पेड़ का हमने जिक्र किया था उस पेड़ के पास हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 300 साल पुराना पेड़ है और इसकी मान्यता है कि यहाँ पर गठिया बाई से संबंधित या से जो भी रोग हैं यहाँ पर हाथ रखने से ठीक हो जाते हैं। ये दोस्तों ये देखिए पेड़, ये बहुत ही पुराना पेड़ है और ये आज भी पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये अभी आज कोई पता नहीं लगा पाया है और ये इतना पुराना पेड़ है कि अब आप हम बता नहीं सके इतना पुराना पेड़ है। आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सरसों पड़ी हुई है, लोग अपने घरों से सरसों लेके आते हैं और इस तरीके से सरसों को रख कर और इस तरीके से सरसों को रख कर उस पर हाथ रखते हैं। जिस तरीके से अब ये हाथ धीरे 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 ऊपर जाता है और ऊपर जाकर उनकी गठियाँ बाई को ये खींच लेता है। इस पेड़ की जड़ में इतनी ताकत है कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अंधा मंदिर सर्वा आश्रम, ये अंधी अंधा मंदिर जो आपको हमने अभी का पहले दिखाया है उसका भ्रमण कराया है, ये वही मंदिर है जो राम जानकी मंदिर, देख लीजिए जिस राम जानकी मंदिर से संबंधित है। ये आगे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है। कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम आपको ऐसे ही धार्मिक स्थलों का विजिट कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।